छह राज्यों के साथ विधानसभा सीटों पर मतदान वोटिंग ताबड़तोड़ चल रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों के साथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की एक एक सीट और त्रिपुरा की दो सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। यह उपचुनाव एनडीए और एनडीए गठबंधन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इंडिया और एनडीए दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही गठबंधन के लिए यह उपचुनाव लाइट मैप से देखा जा रहा है। बता दें कि लीड मस्ट टेक के तैयार करने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के घोसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। घोसी में बीजेपी का दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह आमने सामने है। कांग्रेस पार्टी ने इन सीट पर अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया है। घोसी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा तो कुल उम्मीदवार 10 हैं और ये मैदान में है। बहुजन समाजवादी पार्टी में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। घोसी में कुल 293 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 445 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड की डुमरी सीट पर भी वोटिंग हो रही है। अपने प्रतिनिधि चुनाव के लिए करीब 3,00,000 मतदान को अपने तरह से मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें 1.44 लाख महिलाएं हैं। इस सीट पर 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 373 मतदान बूथों पर मतदान हो रहा है, जिसमें से 200 बूथ है वहाँ प्रभावित। पता है कि पश्चिम बंगाल में भी ये देखने को मिल रहा है कि ताबड़तोड़ हो रही है। तो 6 राज्यों के साथ विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रहा है तो अब अहम ताबड़तोड़ वोटिंग चल रही है। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।